मॉर्निंग, विश यू अ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. टुडे इज हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त. ओके चिल्ड्रन, 15 अगस्त क्यों सेलिब्रेट किया जाता है नहीं पता आपको? चलिए ठीक है, मैं बताती हूँ 15 अगस्त क्यों सेलिब्रेट करते हैं. तो एक छोटी सी स्टोरी के रूप में मैं आपको बताती हूँ 15 अगस्त क्यों सेलिब्रेट किया जाता है. ओके, स्वतंत्रता दिवस हमारे देश की आज़ादी का एक शुभ दिन है. इस दिन को हम लोग त्यौहार के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, मतलब त्यौहार के रूप में मनाते हैं. भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों से संघर्ष करना पड़ा, तभी वो 15 अगस्त को जाकर के आज़ाद हुए. सबसे पहले भारतवासियों ने 1857 में पहली लड़ाई छेड़ी, लेकिन उसमें वे हार गए. यूनिटी ना होने के कारण, मतलब एकता ना होने के कारण वे पहली जंग हार गए. फिर ऐसे ऐसे करके कई लोगों ने लड़ाई लड़ी, जैसे झांसी की रानी ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी. सरदार भगत सिंह भी, जिन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया. ऐसे कई नवयुवक थे जिनको अपनी इस लड़ाई में अपनी जान गंवानी पड़ी. फिर सामने आए महात्मा गांधी, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराया. हमारे भारत से अंग्रेजों को निकाल भगाया यहाँ से, और हमारा देश आज़ाद हो गया. आज हमारे देश को आज़ाद हुए 73 वर्ष पूरे हो गए, 74 वर्ष लगा हुआ है. ओके, 74. इस तरीके से हमारा देश आज़ाद हो गया और हम 15 अगस्त को इसी के रूप में मनाते हैं. ओके चिल्ड्रन, ये कि 15 अगस्त क्यों मनाते हैं. छोटी सी शायरी कहना चाहती हूँ मैं. जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँखें बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो. हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी भी हमारे हिंदुस्तान की हो. ओके चिल्ड्रन, तो आज आप फ्लैग लीजिएगा, उसको थोड़े से फ्लावर चढ़ाइएगा. ओके, इंडिपेंडेंस डे आप स्कूल नहीं जा सकते हो, तो आप घर पे इसको सेलिब्रेट करो पेरेंट्स के साथ. ओके चिल्ड्रन, आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे मैं. बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम.